आज बात करेंगे बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो मानसून और ठंडी के सीजन में आपको मिलेगी, फॉग के बारे में। फॉग आपके हेलमेट में भी जमता है और चश्मा पहनते हैं उसमें भी जमता है, तो उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। फॉग से बचने के लिए अपन एंटी फॉग सॉल्यूशन यूज़ करेंगे स्पेक्स में और हेलमेट में भी। मैंने एंटी फॉग सॉल्यूशन देखे काफ़ी सारे, बट मेरे को बजट फ्रेंडली और इजीली मिलने वाला ये लगा एक्वा लेंस का, जो लेंस कार्ट में इजीली मिल जाता है। इसकी प्राइस 150 रुपये है, इजीली कहीं भी लेंस कार्ट के स्टोर पर मिल जाता है। मैंने इसको ट्राई किया है और रिजल्ट मेरे को अच्छे मिले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आप चाहे स्पेक्स में लगाना चाहे या हेलमेट में लगाना चाहे उसको पहले नॉर्मल क्लीनर से क्लीन कर लेंगे, जिसकी वजह से जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। क्योंकि एक्चुअली ये जो एंटी फॉग सॉल्यूशन है एक कोटिंग की तरह काम करता है, उसको लगाना है ना, लगाने के बाद में कुछ मिनट रुकना है और उसके बाद उसको रब करके साइड कर देना है, जिससे एक एंटी फॉग लेयर बन जाती है जो फॉग प्रिवेंट करती है अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे तक के। तो जैसे आपने देखा मैं इसको क्लीन कर दिया है, क्लीन करने के बाद इसको साइड रख देते हैं। अब रही बात हेलमेट की, तो हेलमेट को भी क्लीन करने के लिए अंदर स्प्रे करके क्लीन कर देते हैं। ये हेलमेट को भी क्लीन कर देना है और क्लीन करने के बाद में सूखने देना है, क्योंकि एंटी फॉग सॉल्यूशन भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये पहले से अच्छे से सूख जाए। कोई भी नॉर्मल ग्लास क्लीनर है, मैं तो ये ग्लास क्लीनर डीमार्ट से लेता हूँ क्योंकि काफ़ी सस्ता पड़ता है, उसको ऐसे नॉर्मल स्प्रे बॉटल में डाल के यूज़ करता हूँ तो काफ़ी पैसे कम लगते हैं उसके। जैसे कि अब ये सूख गया है, एंटी फॉग स्प्रे लेंगे, सिंगल सिंगल स्प्रे सफिशियंट है स्पेक्स के लिए। और आप देखेंगे अगर नॉर्मल कोई ग्लास क्लीनर डालते हैं तो वो निकलता है, पर ये एंटी फॉग सॉल्यूशन में कुछ ऐसा है कि ये स्टिकी टाइप से थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा स्टिक करता है। ये डालने के बाद इसको साइड कर देंगे। वैसे ही मैं इसको हेलमेट में भी ऐसा मैंने डाल दिया है, ये पूरा कवर हो गया है। इसको भी कुछ सेकेंड के लिए, कुछ सेकेंड नहीं कुछ मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। जिससे कि वो अच्छे से एक लेयर क्रिएट हो जाए। लेयर क्रिएट करने के बाद सिंपली स्मॉल पोर्शन से रब करना है, जैसे ये है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब एंटी फॉग सॉल्यूशन लग गया है, एंटी फॉग सॉल्यूशन लगने के बाद में इसको रब करेंगे तो क्लॉथ की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे बार बार। जैसे कि आप क्लॉथ बार बार पोसते पोसते चेंज करते जाएंगे तो उससे होगा ये कि क्या बोलना चाहिए, आपका एंटी फॉग सॉल्यूशन जो लगा है वो लेयर निकल जाएगी। तो सिंपली इसको एक ही जगह से, मतलब क्लॉथ का जो पोजी जगह है जिस जगह से क्लॉथ आप कांटेक्ट में आ रहा है फॉग सॉल्यूशन के, उतना ही करके इसको छोड़ देंगे। वैसे ही हेलमेट के लिए भी क्या करेंगे, ऐसा थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये स्पंज की तरह बन गया एक पोर्शन, इसी पोर्शन से बस मूव करना है और छोड़ देना है। उसमें स्पेसिफिकली एकदम पोजीशन चेंज नहीं करनी है कपड़े की, जिससे कि वो दिक्कत ना करे। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा अजीब कि ये कैसा हो रहा है करके, बट उसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जब सूखता है तो सूखने के बाद लाइंस गायब हो जाती है इसमें। जैसे कि इसमें भी लग गया है लगभग लगभग कोटिंग एक, फिर इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा ओपन कर देंगे जिसकी वजह से वो आसानी से सूख जाए। सूखने के बाद इसको टेस्ट करते हैं। जैसे देख सकते हैं स्पेक्स में काफ़ी क्लियरली लग चुका है, ऐसा कोई इशू नहीं है।
मैं वापस मास्क पहन लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम मास्क पहनने के बाद ही आती है। मैंने मास्क पहन लिया है, ये सेम वही कंडीशन है जैसे इसकी पहले कंडीशन पे था। मैं मास्क पहना हुआ था और उस टाइम आप देख रहे थे कितना फॉग जम रहा था। ये मैं ब्लो भी कर रहा हूँ यार, आँख में फील हो रहा है पर यहाँ पे फॉग नहीं जम रहा है। कुछ एक हल्का सा फॉग की लेयर आती है फिर वो तुरंत निकल जाती है, तो ये अच्छी बात है कि मतलब फॉग आ भी रहा है तो निकल जा रहा है, फॉग ऐसा जम नहीं रहा है। हेलमेट में भी ट्राई करते हैं। हेलमेट पहन लिया, इसके पहले टेस्ट कर रहे थे तब आप देख रहे थे कि कितना ज़्यादा फॉग जम रहा था। कुछ सेकंड वेट करते हैं क्योंकि तुरंत तो जमेगा नहीं, देखते हैं उसके बाद क्या कंडीशन आती है करके। और ये इसलिए काम का है कि जनरली जब हम रुकते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, और गाड़ी चलते रहती है तो ऐसे कोई इतना इशू नहीं होता। जब गाड़ी खड़े होती है या सिग्नल आता है तब ये फॉग का दिक्कत होती है। तो इसमें भी देख सकते हैं ये काफ़ी एफिशिएंटली काम कर रहा है, फॉग नहीं जमने दे रहा एकदम, जिससे आपको विजिबिलिटी का दिक्कत आए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें जो भी स्पेक्स पहनते हैं या राइडिंग करना पसंद करते हैं। बी सेफ, हैप्पी राइडिंग।